हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टोरी विद रूपेश में। आज हम बात करेंगे IAS ऑफिसर दीपक रावत के बारे में। यूट्यूब पर 15 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइब के साथ लगातार अपने काम करने के तरीकों को वीडियोस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने वाले हरिद्वार के दीपक रावत पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट रहने के बावजूद UPSC की परीक्षा पास करने में कामयाब रहे थे। 24 सितंबर 1977 को उत्तराखंड के मसूरी में जन्मे दीपक को पुरानी घड़ियां, पॉलिश के डिब्बे और दूसरे तरह के कबाड़ को इकट्ठा करने का बहुत शौक था। दीपक रावत ने अपनी स्कूली पढ़ाई मसूरी सेंट जॉर्ज कॉलेज से पूरी की थी। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने घर वालों से दिल्ली जाकर आर्ट्स पढ़ने की इच्छा जताई और हंसराज कॉलेज में एडमिशन ले लिया। यहाँ पर उनकी दोस्ती BR से आए छात्रों से हुई, क्योंकि BR के छात्रों में IAS बनने का एक अलग ही सपना होता है। इसलिए धीरे धीरे दीपक रावत मैं भी IAS बनने की ख्वाहिश जागने लगी और उन्होंने JNU में दाखिला लेने के बाद पूरे मन से इसकी तैयारी करनी शुरू कर दी। परिवार के इमोशनल सपोर्ट से उन्होंने आगे की पढ़ाई जारी रखी और UPSC का एग्ज़ाम देते रहे। तीसरे अटेम्प्ट में वे UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करने में कामयाब रहे, पर उन्हें अपनी मनचाही रैंक नहीं मिली और उन्हें इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जाने को मौका मिला। दीपक रावत ने अपनी रैंक को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए पढ़ाई जारी रखी और साल 2007 के UPSC एग्ज़ाम में 12वीं रैंक हासिल करके IAS ऑफिसर बनने के अपने सपने को साकार किया। परीक्षा पास करने के बाद लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से अपनी ट्रेनिंग पूरी की और उत्तराखंड कैडर के IAS ऑफिसर के रूप में अपनी सेवा देनी शुरू की। जनवरी 2018 में उन्होंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाया और उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर अभी तक लाखों लोग उनके इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। साथ ही लाखों युवा उनसे इंस्पायर होकर IAS ऑफिसर बनने के लिए दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग हमारे और सिविल सेवा के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए।